जी, ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं, जिसके अंदर इसके तीन पोर्शन हैं। जो सबसे पहला सेक्शन था वो एमसीक्यूज का, दूसरा सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तीन पोर्शन है। नंबर वन के अंदर भी हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कोई भी चॉइस नहीं, अब साहब को सॉल्व आउट करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंपलीफाई 4 + 16x/4। ईच स्टेप को जस्टिफाई भी करेंगे हम। अगर आप लोग इसको जस्टिफाई नहीं करते तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 4 + 16x/4, तो 1/4 नीचे से लहदा किया, क्यों? ये मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी है, a/b = 1/b × a। नेक्स्ट, 4 को कामन निकाला, कामन निकालने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 से कर्सर कैंसलेशन रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग कह सकते हो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो है, हम इसको लेट जी कर लें, लेकिन इसका आसान तरीका है कि आप इस ए बी कंसीडर करके ये फार्मूला अप्लाई कर दें, a/a² + b² - b/a² + b², ए की वैल्यू हमारे पास √2 है और बी की वैल्यू √5। उसको यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा √2/7 - √5/7। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में आ रहा है। तो 1 + √3 एटा, तो x = r cos θ y = r sin θ। तो x जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट 1 है, तो 1 = r cos θ, और √3 इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम कहेंगे y, जो √3 = r sin θ। इन दोनों का स्केयर का सम करेंगे, स्केयर करेंगे और सम करेंगे, sin² + cos² जो कि 1 के इक्वल होता है, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी बचेगा r² = 1 + 3। 4 का स्केयर रूट करेंगे 2 आ जाएगा। तो आर्गूमेंट ये आर्गूमेंट है जिसको हम थीटा फाइंड करना कहते हैं। θ = tan inverse y/x, y हमारे पास √3 है और x हमारे पास 1 है, जिसका आंसर 60° आ जाएगा। तो z = 1 + 3 आयोटा, तो 1 हमने ऊपर कंसीडर किया था r cos θ, तो r की जगह पे 2 और थीटा की जगह 60 लिखेंगे, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी। शो डैट z - z^2 इज़ अ रियल नंबर, तो इसको रियल नंबर शो करने के लिए लेट कर लिया z = a + b/8 और z^2 = a - b/8 हो जाएगा। इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2b/8 और इन सारी का होल का स्केयर करेंगे, 2b/8 होल का स्केयर होगा 4b²/4b². नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई करें -1/21/2। इसको थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है, -1 बुक के अंदर जो है -1/-21/2 है, लेकिन ऊपर से माइनस को ख़त्म किया हुआ है, तो इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो इसको देख लें, इसके ऊपर में माइनस नहीं है, तो जब ये माइनस नहीं है ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। जस्ट हम इसको लिखेंगे 21 को ब्रेकआउट कर लेंगे इवन और आठ पार्ट में। इवन हमारे पास होगा 20 और आठ इसका 1 हो जाएगा। 20 को √10^10 डाट √10^2 जो है वो -1 के इक्वल होता है, और −1/10 एक इवन नंबर है, जो नेगेटिव नंबर की पावर एक इवन नंबर आती है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जो अयोटा बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करें a² + 4b² को फैक्टराइज करने के लिए इसको ब्रेकआउट कर लिया मैंने माइनस माइनस में, तो एक माइनस ब्रैकेट के अंदर एक बाहर, जो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस है उसकी जगह मैं √2 लिख दूंगा, तो जो होल का स्केयर बन जाएगा 2b/√2। तो जब 2² की वैल्यू माइनस में लिखी जा रही हो a² - b², तो उसके एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। डिफाइन रैशनल इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल की आपको बुक के अंदर से भी मिल जाएगी, की बुक के अंदर से या नोट्स या जैसे भी आप, इसकी बहुत सी डेफिनेशन है, जो आपको सूटेबल लगे वो, जो आपके लिए आसानी रहे आप उसको लिख सकते हो। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = फाइंड 1/α². सबसे पहले जब भी अल्फ़ा बीटा की बात करेगा हम, सबसे पहले इसके सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। तो मैं इसका सम फाइंड किया अल्फ़ा प्लस बीटा का,
जो कि फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, तो बी ओवर ए की जगह पे मैंने लिख दिया कि 2/3 और प्रोडक्ट हो जाएगा सी ओवर ए जो कि 4/3। तो 1/α² + β² की वैल्यू फाइंड करना चाहता था तो इसका मैंने एलसीएम कर लिया, ऊपर आ गया α² + β², तो α² + β² का फार्मूला है α+β² - 2α β। तो α+β की वैल्यू ऊपर गिवन है 2/3, वो वहाँ पे पुट की तो वो जो डिवाइड था उसको लैदर से कट कर लिख दिया डिवाइड 4/3, तो 9 एलसीएम आएगा, 4 - 24, 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली ऊपर ऊपर नीचे, तो इसको कटिंग करने के बाद फाइनल इसका आंसर आ जाएगा -5/3।